दोस्तों मैशी रसोई में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओनियन पफ पेटीज बनाने का बहुत ही इजी वे। जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, लेकिन टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कट करने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार है, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, प्याज आपको खाना पसंद हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें। तो फिर देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकदम आसान तरीके से ये ओनियन पफ पैटीज बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया है 1 कप जितना नॉर्मल गेहूँ का आटा, और इस आटे के अंदर ही हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितनी मैदा। मैदे के साथ एक और स्पेशल चीज़ जाएगी और वो है 2 टेबल स्पून जितना बेसन। सिर्फ इतना ही बेसन रेसिपी में कमाल करेगा, क्योंकि बेसन की वजह से हमारी जो पैटीज बनेंगी बहुत ही खस्ता बनेंगी। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया और ये गई थोड़ी सी कसूरी मेथी जिससे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आएगी। 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया, आप देसी घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। सबको बढ़िया सा मिक्स कर लिया और उसके बाद एकदम नॉर्मल पानी के साथ हम इसका डो लगाएंगे। ना तो इसके लिए आपको पानी गर्म लेना है और ना ही ठंडा लेना है, जैसे नल में पानी आता है बिल्कुल उसी पानी के साथ आप डो लगाइए। और ये लीजिए नॉर्मल डो लगकर तैयार है, जैसे कि हम पराठों के लिए लगाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हाथ चिकना किया और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। और इसके बाद बारी है पैटीज को डो को कवर करके 10 मिनट के लिए रखने की। और ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, जो डो था बढ़िया सा रेस्ट कर चुका है। अब एक बार बिल्कुल अच्छे से मसल कर हम इसे एकदम स्मूथ कर लेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम पराठे के लिए डो को तैयार करते हैं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट डो तैयार है। तो फ्रेंड्स अब आ रही है इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ओनियन स्टफिंग बनाने की। उसके लिए मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए थे, जिसे मैंने बहुत ही बारीक कट किया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने प्याज काटा है वो बहुत ही बारीक है। बस इस पेटीज को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी वेजिटेबल लेनी है एकदम बारीक कट करके लेनी है। ये गई हरी मिर्चें, खूब सारा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, और ये गया 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, और ये गया 1/4 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर। बस इसमें आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालना है। नमक हमने ऑलरेडी डो में लगा रखा है और थोड़ा सा गया है चाट मसाला। और उसके बाद बारी है इसमें से डो बॉल बनाने की। नॉर्मली पराठे से थोड़ा सा बड़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, लेकिन इसे जो बेलना है वो बेलना बहुत ही पतला है। जितना थिन आप इसे बेल सकें उतना बढ़िया है। और इसको बेलते हुए ध्यान रखें कि साइडों को भी अच्छे से बेलें और जो सेंटर वाला पार्ट है उसे भी बढ़िया सा बेलकर तैयार करें। और ये देखिए मैंने इसे काफ़ी पतला सा बेलकर तैयार कर लिया है और बहुत ही बड़ा सा है। उसके बाद इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं, आप चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं और आप चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं। और उसके बाद जो हमने वो मसाला तैयार किया था, बारी है वो मसाला लगाने की। बिल्कुल अच्छे से हम इस तरीके से चारों तरफ मसाला फैला देंगे। फ्रेंड्स ये पैटीज खाने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं, बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट आता है। टमाटो केचप के साथ सर्व करें या हरे धनिया की चटनी के साथ या चाय के साथ। और बनाने भी फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही आसान है। एक साइड उठाई, अच्छे से इस तरीके से सेट कर दी, थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसे इस तरीके से पलटते जाएंगे, ऑयलिंग करते जाएंगे, आपकी पफ पैटीज में उतनी ज़्यादा लेयर आती जाएंगी। और हल्की सी ऑयलिंग यहाँ भी कर दी और ये वाला हिस्सा उठाया, इसके ऊपर रख दिया। और आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि एकदम आपको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, थोड़ी सी जगह बचाकर बस सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको इसके ऊपर सेट करना है। और ये देखिए हमारी पैटीज कह दीजिए या एक पॉकेट कह लीजिए बनकर तैयार हो गया है। हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए जिससे इवनली चारों तरफ से अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए हमारी पैटीज एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो सैलो फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी तरह तवे पर सेक सकते हैं। जैसे भी सेकेंगे स्टफिंग मज़ेदार है, आटा बहुत ही बढ़िया लगा है, इसलिए खाने में टेस्टी लगेगी। हल्के से एक तरफ से सिका टर्न कर दिया और दूसरी तरफ से भी हल्का सा हम इसे सेक लेते हैं। जैसे दूसरी तरफ से हल्का सा सिकेगा आप देखेंगे कि हल्का हल्का सा फूलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके जो अंदर हमने लेयर लगाई है वो सारी लेयर खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। और बस थोड़ी थोड़ा ऑयल लगाकर सेक लेंगे, डीप फ्राई करते हैं तो और भी बढ़िया टेस्ट करती है, ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। लेकिन तवे पर फ्राई करना एक हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसे तवे पर इस तरीके से जैसे पराठा सेकते हैं उस तरीके से सेका है।
और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमारी पैटीज फूल गई है। तो चलिए टर्न करके बिल्कुल अच्छे से जैसे हम हल्का हल्का प्रेस करके ब्राउन ब्राउन सा इसे सेक लेंगे, जिससे खाने में भी टेस्टी लगेगी, देखने में भी बढ़िया लगेगी और देखिए क्या शानदार कलर आया है। तो डिश आउट कर लेते हैं और ये लीजिए हमारी दो पेटीज बनकर तैयार हो गई हैं। और आप देख सकते हैं देखने में कितनी बढ़िया लग रही हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। और बनाना तो आपने देखा फ्रेंड्स झटपट बनकर तैयार हो गई हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई तामझाम नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं और स्टफिंग जो हमने लगाई थी बिल्कुल कोने कोने तक गई है। क्या मज़ेदार सी स्टफिंग है, बहुत ही टेस्टी बनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप यही वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक कर दें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें।